अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन स्टडी प्लेटफॉर्म दैट इज़ फन विद ऑक्सफर्ड इंग्लिश। सो टुडे आई एम बैक विद अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो जैसे कि आपको पता है, हम ऑलरेडी एक लेटर कर चुके हैं अपनी प्रीवियसली वीडियोज़ में, जो हमने लिखा था फादर को। तो आज हम सेकेंड लेटर करेंगे, जो कि हम लिख रहे हैं मदर को। तो हमारे लेटर का टॉपिक है लेटर टू योर मदर आस्किंग हर अबाउट हर हेल्थ। आप अपनी मदर को लेटर लिख रहे हैं जिसमें आप उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं उनसे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं, डिटेल लिखते हैं, हम लेटर किसको लिख रहे हैं और उनका एड्रेस क्या है। तो नेम ऑफ़ योर मदर, जो भी आपकी मदर का नाम होगा, आप फर्स्ट लाइन पर लिखेंगे। उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर 49 ब्लॉक एफ फाइस टाउन या फैज टाउन कराची। इसके अलावा आप कोई भी जो आपका रियल एड्रेस होगा वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट, मैं यहाँ पे डेट लिखना भूल गई थी तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, लेकिन आप जो है वो नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसको आप लेटर लिखने अपनी मदर को, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे माई डियर मदर। तो जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग ग्रीटिंग वर्ड होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए लेटर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन एंड आई होप दैट यू विल आल्सो फाइन। यानी कि अब आप उनको पूछ रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगी। आई हैव कम टू नो फ्रॉम अहमद्स लेटर। यहाँ पे आप अपने किसी भी सिबलिंग का जिक्र कर सकते हो, सिस्टर या ब्रदर का, कि मुझे उसके लेटर से पता चला है दैट यू आर नॉट वेल, कि आप ठीक नहीं हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर एंड कोल्ड। आपको बहुत तेज़ बुखार और खांसी हुई है। यू आर नॉट टेकिंग योर मेडिसिन प्रॉपरली। आप अपनी अद्वियात, अपनी दवाई, अपनी मेडिसिन टाइम पर नहीं ले रही। आई एम वेरी वरीड अबाउट यू एंड योर हेल्थ। मैं आपको और आपकी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हूँ। मदर, आई लव यू सो मच, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट अ डॉक्टर एंड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। फिर आप कहेंगे कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ या मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाएं, यानी डॉक्टर को विज़िट करें, अपना चेकअप करवाएं और अपनी मेडिसिन जो है वो रेगुलरली लें। आई होप आई विल गेट द न्यूज़ ऑफ योर रिकवरी वेरी सून। मैं उम्मीद करती हूँ या करता हूँ कि मुझे बहुत जल्द आपकी सेहत की जो है वो अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, यानी कि आपके ठीक हो जाने की न्यूज़ मुझे सुनने को मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने तीन चार आपके लिए ऑप्शन रखे हैं जिससे आप एंड कर सकते हो, ठीक है। विद लव भी लिख सकते हो, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर लिख सकते हो, योर ओबीडेंटली लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाएंगे और लास्ट पे आपने अपना नेम राइट कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हमने एक और लेटर अपना वाइंड अप कर लिया जिसमें हम मदर को लेटर लिख रहे हैं और उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेटर समझ आई होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, पैटर्न को फॉलो करना है और देखना है किसी भी लेटर के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड, कोई लेटर से रिलेटेड या जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं लेटर की वीडियो बनाऊँ, या कोई और टॉपिक जो आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एंड आई होप कि आज का लेटर भी आपको बहुत अच्छा लगा हो। फॉर कमिंग नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।